टूटा जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी टेक बबलू इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का लव स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं अपने मोबाइल से फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको मोबाइल में काइंडमिस्ट ऐप होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइंडमिस्ट ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, काइंडमिस्ट ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से 9x16 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दूसरे नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से आपको 3.5 कर देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, 5 या 6 कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा या किसी का भी फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से फ्रेंड। और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और इसमें इफेक्ट ऐड कर देना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ पे सबसे नीचे कुछ इस तरह से इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और नीचे से आपको 3 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड। और फ्रेंड, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन को डाउनलोड नहीं करना है, आपका काइंडमास्टर ऐप में पहले से होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम इसको ओपन कर दिए हैं, और उसके बाद में आपको इसमें भी 3 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम सारे प्लस में कुछ इस तरह से आ जाते हैं नीचे, और नीचे से 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसमें भी 3 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। तो फ्रेंड, हम सारे प्लस वाले आइकन पर ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड, हम सारे प्लस वाले आइकन में इफेक्ट ऐड कर दिए हैं फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और उसके बाद में आपको इस लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह से कर देना है, और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है लाइट वाले टेम्पलेट पे, और उसके बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड, इस टेम्पलेट लाइट वाले टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, पहले हम इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो फ्रेंड, एक्सपोर्ट हो रहा है यानी सेव हो रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड, ये वीडियो सेव हो गया, तो इसको कुछ इस तरह से बैक ले लेते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड शुरू से आ जाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है उसी तरह से, और इसमें आपको दूसरा वीडियो का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस बार हमको 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है, और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है फ्रेंड, कुछ इस तरह से 17 सेकंड तक कर देते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और इस ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको फुल स्क्रीन में कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और अभी जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करके रखे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम करना है, कुछ इस तरह से थोड़ा और जूम कर देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाले टेम्पलेट वीडियो पे क्लिक करके, और आपको आ जाना है फिर से यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे लेयर का ऑप्शन में और टेक्स्ट का ऑप्शन में, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या किसी का भी नाम लिख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं राज, कुछ इस तरह से लिख लेना है राजकुमार। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ब्लैक कलर के सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर ले आना है, कुछ इस तरह से इसको जूम कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे डबल एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसका कुछ इस तरह से फ्रंट स्टाइल को चेंज कर लेना है। तो इसमें हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे भी ओके कर देना है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरह से, एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड थोड़ा सा इधर कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को थोड़ा सा हम प्ले करके देखते हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है कुछ इस तरह से, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो कट करने के लिए आपको यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आप इसमें ऑडियो सॉन्ग अपने हिसाब से सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो पर क्लिक करके और इसका साउंड यहाँ से कुछ इस तरह से म्यूट करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आप इसमें दूसरा ऑडियो सॉन्ग ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपके मोबाइल का पूरा ऑडियो सॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी ऑडियो सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में फ्रेंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर देना है, और इसको कुछ इस तरह से शुरू से कर दीजिएगा। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको यहां से एक्सपोर्ट कर देना है फ्रेंड, और फ्रेंड ये वीडियो सेव होने लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।